हेलो हेलो यस, थोड़ा लेट आऊंगा क्लिनिक पे या करीना आ रही है। अरे पेशेंट का क्या, मरते पैदा होते रहते हैं, छोड़ो ना, वो थोड़ा ना रोज रोज आएगी। यस ओके ओके, हाउ आर यू करीना? मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मतलब यू वोंट बिलीव, यू जस्ट शुड लव मी। मतलब मेरे को सीरियसली, मतलब आपका कभी कभी, मैं पेशे से भाई पेशे डॉक्टर हूँ, लेकिन जब कभी आपकी फिल्म आ रही होती ना तो बिलीव मी यू वोंट ट्रस्ट मी, बट मैं सब कुछ छोड़ के आपका सीन देखने आ जाता हूँ फिल्म पे। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, कल आपकी फिल्म आ रही थी वो वाली, मुझे कुछ कहना है, तो मेरा ऑपरेशन चल रहा था, मैंने बीच में छोड़ के आपका सीन देखने आ गया। जैसे तुषार का आया फिर वापस ऑपरेशन थिएटर में चला गया, ऐसे मतलब चलता रहता है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना आपकी एक्टिंग मेरे को, सीरियसली। परसों वो भी आए थे, रणबीर भी आए थे, तो दोनों भाई बहन के आसपास फिल्में आ रही थी, तो इतना खर्चा क्योंकि दोनों मिलके बना लेते। मतलब उसकी बर्फी, आपकी हीरोइन, तो मिलके बना लेते ना बर्फी की हीरोइन या हीरोइन जैसी बर्फी, आपके लगते भी है। सीरियसली मैं आपका इतना फैन हूँ, यू नो, जब आपकी वो आई ना, जब वी मेट, उसमें कितना ट्रेंड चला ना वो सलवार के साथ टी शर्ट पहनने का, मैं तो खुद एक साल पहन के घूमता रहा। सीरियसली उसकी चक्कर में मुझे मैटरनिटी वार्ड में जॉब मिल गया। डॉक्टर साहब, यस यस यस, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी गर्भवती है। डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी आ, उनको जाना भी है। हाँ, इसे बच्चा होने वाला है डॉक्टर साहब, क्या कीजिए डॉक्टर साहब। ओह माय गॉड, इनको तो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा। आइए आइए, अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? ओह माय गॉड, अरे डॉक्टर साहब वो प्रेग्नेंट है डॉक्टर साहब, आराम से। तो इसलिए कर रहा हूं जल्दी बाबा, अगर कहीं बच्चा इधर ही होगा तो मेरा 10,000 गया ना। 10,000? हां, आप एक काम करिए, रिसेप्शन पे जाके 10,000 रुपए जमा करवाइए। ओके डॉक्टर साहब, 10,000 बहुत ज्यादा है, कम करो ना। 10,000 ज्यादा लग रहा है तेरे को? तो किसने कहा था उस रात जागने के लिए? बे सो जाता ठुल्ले। डॉक्टर साहब जल्दी कराओ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ डॉक्टर साहब, 5,000 में कर दो ना। 5,000 में हो जाएगा, लेकिन पेट खुला छोड़ दूंगा, घर जाके सिलते रहना। पैसे का इंतजाम करता हूँ, चलो जल्दी जाओ। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन कोई आ जाती है कि मां बच्चे में से किसी एक को बचाना, तो किसको बचाऊं? तो अरे बाबा इतना सोचने में टाइम, चल मैं अपने मूड के हिसाब से देख लूंगा, जो ज्यादा जो कम चिल्लाएगा उसको बचा लूंगा। ओके, तो जाके ऑपरेशन कर। बच्चे को बचाना डॉक्टर साहब? हां डॉक्टर साहब, बच्चे को बचाना डॉक्टर साहब। पागल आदमी, तो बच्चे को बचाना, मां को बचा, मोबाइल रहेगा तो रिचार्ज होता रहेगा। ये बात तो सही है, पागल आदमी है ये, बात तो सही है। अरे बाबा दर्द तो होएगा, ये को राजमा चावल खा के थोड़ी ना भूला है। यू आर सीरियसली प्रेग्नेंट, सब्र रखो, सब्र के बच्चे मीठे होते हैं। ओके चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं। ओके आप करेंगे, कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। बाबा दो लेडी डॉक्टर थी, दोनों प्रेग्नेंट है, तेरे को लेडी डॉक्टर चाहिए ना? चल ठीक है, मैं तेरा ऑपरेशन बैठ के कर देता हूँ। क्या इधर आ, चल आ जल्दी आ, जल्दी आ, मर जाए तू। ये होने लगा ऑपरेशन, ये चला दी मैंने बत्ती। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, जुड़वा बच्चे हुए, मुबारक हो। देख, ओह माय गॉड, सो लवली, सो ब्यूटीफुल, दो बच्चे हुए, वो भी सेलिब्रिटी, एक शशि जी, एक अमित जी। ओह माय गॉड, मुबारक हो, तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए हैं। अभी अपने पति को बोलना मैं 20,000 लूंगा। क्यों? अरे बाबा 10,000 एक बच्चे का ना, तो दो बच्चे का 20,000 हो गया। अभी समय तेरे, पकड़ो अपने बच्चे। ओह गॉड, आया मोबाइल है, घंटी लैंडलाइन की बजा रहा है तू। हेलो, यस, क्या नहीं, रॉन्ग नंबर है। हेलो, ओ गॉड सॉरी। अब क्या हो डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, तुम्हारा पति किसी की जेब काटते हुए पकड़ा गया, उसको फांसी हो गई। नहीं, तेरा बेड़ा गर्क, अब तो पति भी नहीं है, तो बच्चे फेंक रही है, कल को काट लाएगी। क्या हुआ? नहीं, रो मत, देखो देखो, दिल छोटा मत करो किसी की बहन, मैं तुम्हारे पति के जाने का दुख समझ सकता हूँ। अबे मुझे पति के जाने का दुख नहीं है। तो मेरे 20,000 रुपए कौन देगा? क्या तुम्हें ये दोनों बच्चे वापस पेड़ में रख दूंगा, मैं बता रहा हूँ। What does this mean? तू ये कंगन दे दे मेरे को। ये सिर्फ 4,000 रुपए के। तो बाबा सोना महंगा होता जा रहा है, जब महंगा हो जाएगा तो भेज दूंगा, मेरे को देना कंगन। दो कंगन नहीं, एक ही बच्चे छोड़ के जाऊंगा, बढ़िया रखना, एंजॉय करो ना। हे भगवान, मैं इन दोनों बच्चों को कैसे बड़ा करूंगी? अरे यार, बड़ा तो करना ही पड़ेगा। मुझे पता है मेरा पति कातिल नहीं था, मैंने पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी बड़ा करूंगी, अपनी बाप की मौत का बदला लेंगे ये। मा 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 मा, तेरा बेटा का नौकरी मिल गई मा। मुंह में डंडा दे, मैं क्या कर रही हूँ? तेरे बेटे को नौकरी मिल गई माँ। तू अचानक पुलिस वाला कैसे बन गया? और भी लोग आए थे भर्ती होने को माँ, लेकिन ये वर्दी सिर्फ मुझे फिटाई। ये देख माँ,
उन्होंने डंडा और पिस्तौल भी दिया। एक काम कर, ये ले, सुई में ना धागा डाल दे। माँ, अब तुम्हें दूसरों के कपड़े सिलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू इतना कमाएगा बेटा। नहीं माँ, मेरी खुद की 3 पैंटें फटी हुई, पहले वो जाके सीना। माँ क्या करती है तू? माँ 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 बेटा, तूने मुझे बहुत खुश किया, बहुत खुश किया। मैं अभी मंदिर होकर आती हूँ। मंदिर बोल के मंदिर ही जाना माँ, कन्हैया लाल के घर में मत चली जाना। हमेशा मंदिर बोल के जाती है और मराठा मंदिर चली जाती है। और फिर वही ठक 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 ठक। इतना साले एक्साइटेड हो गया करीना को, मेरी लाइनें खत्म नहीं होने थी, पहले आ गया तू। ये मेरा भाई है, मैंने सोचा भी नहीं था कि पहले बार मुझे किसी ऐसे बंदे को गिरफ्तार करना पड़ेगा जो मेरा खुद का भाई होगा। इसलिए मैंने अपने भाई को आज इस पुल के नीचे बुलाया है। अब आओ। सॉरी रवि, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कार में आने वाले अक्सर थोड़ा लेट आते हैं भाई। रवि, मैं कार से नहीं आया। और देखो ये जो पुल है भाई, देखो गिर जाएगा, थोड़ा साइड में। भाई ये रेट्रो का पुल है, मेट्रो का पुल नहीं जो गिर जाएगा भाई, चिंता मत करो। एक बात बताओ भाई, जुल्म की काला बाजारी से तुमने आज तक कितना ब्लैक का पैसा कमा लिया भाई? उफ, ये ब्लैक का पैसा, ब्लैक का पैसा, तुम ये बात भूल रहे हो रवि कि जिस पैसों से तुम्हारी परवरिश हुई है वो भी ब्लैक का ही पैसा था। नहीं चाहिए तुम्हारा ब्लैक का पैसा भाई, 1 महीने में कमा के ब्लैक का पैसा तेरे मुंह पे मारूंगा भाई। कैसे मारोगे रवि? 10 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे तुम्हें इतना पैसा कमाने में। रिश्वत नाम की भी कोई चीज होती है भाई, हमेशा अपना ही दिमाग मत चलाया करो। रिश्वत? मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। क्यों शर्म आती है भाई? मैं कौन सा ब्लाउज पहन के ड्यूटी पे जाता हूँ? मुझसे फालतू की बहस मत करो रवि। मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे तुमसे बहस करने, तुमसे मार नहीं खानी। एक मिनट। हेलो, क्या मेरी माँ तुम्हारे कब्जे में है? एक मिनट, माँ से बात कराओ। माँ से, माँ, माँ तू टेंशन मत ले, माँ हम तुझे छुड़ा लेंगे। माँ, माँ अभी हम जिंदा हैं। जिंदा है लेकिन छुड़ाने जाएंगे फिर नहीं जिंदा बचेंगे, डाका बड़ा खतरनाक आदमी है। रवि बकवास मत करो। मैं तो कहता हूँ रहने दो भाई, लेट इट गो, लेट इट गो। और कितने साल बचे उसके, जाने दो ना उसको। रवि माँ से बात करो। माँ से मेरी क्यों बात कर रहे हो? बात करो, तू बोलो, बिजी है, बात करो माँ से। हेलो, हाँ माँ। माँ तुम्हें किसने कहा था गुंडों को बताने के लिए तुम्हारे 2 जवान बेटे? थोड़ा रो धो के मिन्नतें करती तुम्हें भिखारन समझ के छोड़ देते। क्या है माँ, हमें पास बोस के इसलिए बड़ा किया था हमें गुंडों के हाथों मरवा सको? ठीक है, पर ये कायरों की तरह बात करना बंद करो। माँ को बचाने तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं जाऊंगा भैया, तुम्हें यहाँ करीना का बुरा ही, तुम्हें माँ की बड़ी, मैं थप्पड़ मारूंगा। क्या है? माँ को बचाने तुम मेरे साथ चलोगे रवि? माँ को नहीं बचाएंगे भैया, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बता दूँ। बच्चा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। अरे मुझे पता था तुम मुझे लेने नहीं आओगे, इसलिए मैंने विलन को राखी बांधी और खुद ही आ गई। मैंने तो पहले कहा था ये 2 बार खांसेगी वो खुद ही छोड़ देंगे इसको। एक मिनट भाई साहब, देखिए माँ आ गई, फैसला हो ही जाए कि माँ किसके साथ जाएगी। फैसला क्या करना इसमें, जाहिर सी बात है माँ मेरे साथ तो जाएगी नहीं, तुम लेके जाओ। नहीं नहीं, माँ तुम्हारे साथ जाएगी। मैं स्मगलर के साथ नहीं जाऊंगी। क्या स्मगलर के साथ नहीं जाएगी? वो कौन सा तुमसे माल की डिलीवरी कराया उसके साथ? मैं बिजी आदमी हूँ। मैं तेरे साथ ही चलूंगी। मेरे साथ चलूंगी, जैसी तू परफॉर्म कर रही ना तुझे मधुर भंडारकर भी नहीं चला सकता। मेरे साथ नहीं जाएगी, मैं अकेला जाऊंगा। मैं तेरे साथ चलूंगी तभी तो फिनाले तक पहुंचूंगी। और तेरे चक्कर में अगर मैं ही वहां तक नहीं पहुंच पाया तो? समय समाप्ति की घोषणा। अब तो ये हमारे जजेस ही बताएंगे कि कौन फाइनल तक जाएगा। थैंक यू।